तो ऐसी चीज़ पर ज़कात वाजिब हो जाती है। तो एक इंसान हो सकता है किराए के घर में रहे लेकिन कैश फ़्लो इतना हो कि किसी को इंतिया नहीं। जैसा मैंने देखा बहुत सारी कंपनियों वाले, औरंगाबाद में आप ले लीजिए एग्जांपल, कई कंपनियों वाले लोग हैं जिनका खुद का घर नहीं, कंपनियां चलाते हैं, इसलिए कि औरंगाबाद में वो टेम्पररी मुंतकिल हुए, कहीं और भी कंपनी डाल सकते हैं रहने वाले किसी और शहर के, तो यहाँ तो किराए घर में रहते। बट अल्हम्दुलिल्लाह इतने करोड़पति लोग हैं तो किराए के घर में होना नहीं होना कंडीशन नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनना या अच्छे पहनना कंडीशन नहीं। क्वान्टिटी जो अमाउंट बताई गई है वो अगर आपकी सेविंग्स थ्रेशहोल्ड जो निसाब बोलते हैं उस लेवल को एक्सीड कर जाती है, उससे बढ़ जाती है, तो आप पर ज़कात वाजिब है, चाहे आप किराए के घर में रहते हो, चाहे आपके असकार हो या ना हो, चाहे आप पैदल चलते हो या चाहे आप चने खा के ज़िंदगी गुजारते हो, लेकिन अगर कंजूस हैं पैसा अगर उतना है सेविंग्स में जितना पैसे पे ज़कात वाजिब हो जाती है तो आपको ज़कात देना पड़ेगा। तो कंडीशन अमेरिका में देखें तो लोग किराए के घर में जीते हुए किराए में मर जाते हैं, खुद का घर लेने जैसी ताकत नहीं होती, वहाँ बहुत महंगे होते हैं, तो क्या हुआ उसमें, ज़कात तो दे सकते हो। ठीक है, तो ज़कात सेविंग्स पर जो एक सर्टन लेवल को पहुँच जाती है, अब वो शरीयत में है, मेरा पूरा उनवान है उसमें माशाल्लाह, इसमें मैंने इसलिए तफसीलात नहीं लिया उसकी कि कितने पे क्या, ज़कात की अहमियत इस उनवान ने मैंने पूरी तफसीलात रखी कितने पे कितना और कैसा देना है, उसको आप देखें इंशाल्लाह। तो बहरहाल फिर उसको उस पर ज़कात देना पड़ेगी चाहे उसके घर की हालत कैसे भी हो। ठीक है।